सभी को नमस्कार। मैं जितेश कुमार जांगिड, सहायक आचार्य चित्रकला, सर्वप्रथम आप सभी का ऑनलाइन ई क्लासरूम में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम बीए द्वितीय वर्ष के चित्रकला विषय की इकाई प्रथम के अध्याय अजंता की चित्रकला का अध्ययन कर रहे हैं, पूर्व के भाग में हमने अजंता की गुफा संख्या 2 का अध्ययन किया एवं इसी के साथ गुफा संख्या 2 के प्रमुख चित्रों में महाहंस जातक, माया देवी का स्वप्न, विदुर पंडित जातक, सर्वनाश का चित्र, शांतिवादी जातक इत्यादि कथा चित्रों का सविस्तार अध्ययन किया। आज हम इसी क्रम में अजंता की गुफा संख्या 2 के चित्र तुषित स्वर्ग का अध्ययन करेंगे। तुषित स्वर्ग से अभिप्राय है, भगवान बुद्ध अपने मूल जन्म या अपने वास्तविक जन्म से पूर्व स्वर्ग में विराजमान होते हैं और यहाँ पर भी भगवान बुद्ध को अपने मूल जन्म में आने से पहले स्वर्ग में विराजमान दिखाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि भगवान बुद्ध सभी देवी देवताओं के मध्य में विराजमान है एक सिंहासन पर, और भगवान बुद्ध की जो आकृति है वो अन्य आकृतियों से विशाल भी बनी है एवं इनके चेहरे के पीछे एक प्रकाश पुंज प्रभा मंडल बना है। इस प्रकार की जो विशेषताएं है वो भगवान बुद्ध को और भी प्रभावशाली बनाती है। भगवान बुद्ध यहाँ पर राजसी रूप में तो है ही, इसके साथ साथ आध्यात्मिकता का पुंज भी इनमें दिखाई देता है। इनके जो हाथों की मुद्रा है वो धर्मचक्र मुद्रा है एवं सभी आकृतियों ने अधोवस्त्र धारण कर रखे हैं। सभी ने आभूषण भी धारण कर रखे हैं। इस प्रकार से भगवान बुद्ध ने भी अपने सिर पे मुकुट धारण कर रखा है। आप देख सकते हैं चित्र में कि सभी आकृतियाँ भगवान बुद्ध को सहसम्मान सम्मान की दृष्टि से देख रही है। भगवान बुद्ध जो कि केंद्र में है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भगवान बुद्ध अपने मूल जन्म में आने से पहले स्वर्ग में अन्य देवी देवताओं के साथ में शायद हो सकता है यह चर्चा कर रहे हैं कि वो अपने वास्तविक जीवन में कौन कौन से चमत्कार करेंगे, कौन कौन सी घटनाओं को अंजाम देंगे जिससे कि विश्व में कल्याण या फिर बंधुत्व की भावना फैले। इस प्रकार से यह चित्र पूर्ण होता है। अन्य जो चित्र है उसका नाम है 2 बाए अंगूठे वाली रमणी। एक स्त्री है जो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन वो चित्र सबसे अलग भी है। अलग क्यों? हो सकता है चित्रकार से एक छोटी सी गलती हो गई हो, और हाँ हुई भी है, लेकिन चित्रकार ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर जो रमणी का चित्र बना है आप देख सकते हैं जिसके चारों तरफ गोला किया गया है, ये एक रमणी का चित्र है। रमणी ने अपना दायां पैर नीचे जमीन पर टिका रखा है एवं अपना बायां पैर जो पीछे खंभा है उसके सहारे टिका रखा है। रमणी की जो गर्दन है वो झुकी हुई है। अब इसको 2 बाएं अंगूठे वाली क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो बायां पैर है और उसका जो अंगूठा और जो अंगुलियां बनी हुई है
ठीक उसी प्रकार का अंगूठा और अंगुलियां उसने इस रमणी के दाहिने पैर में भी बना दिए हैं। इस प्रकार से दो बाएं अंगूठे निर्मित हो गए हैं। चित्रकार से भूलवश ऐसा हो गया है, लेकिन चित्र काफ़ी खूबसूरत निर्मित हुआ है। तो चलिए चित्र को थोड़ा पढ़ते हैं, इसमें क्या दिया गया है। यह जो चित्र है यह माया देवी के स्वप्न वाले दृश्य के समीप ही निर्मित किया गया है। आप देख सकते हैं कि पास में जो चित्र है यह माया देवी के स्वप्न का चित्र है। जैसा कि पूर्व मैंने बताया था कि माया देवी अपने स्वप्न के बारे में चर्चा कर रही है कि उसने स्वप्न में अपने गर्भ में एक प्रकाश पुंज को प्रवेश करते देखा है। इस प्रकार से पास में ही यह रमणी का चित्र है। रमणी दो स्तंभों के मध्य रत्नों और आभूषणों से सुसज्जित है, और इस प्रकार से यह जो आकृति है रत्नों और आभूषणों से सज्जित वो इस रमणी को और भी भव्य और खूबसूरत बनाती है। इस रमणी का बायां पैर मुड़कर स्तंभ में स्तंभ से टिका है और इसकी गर्दन झुकी है। इसे माया देवी का चित्र भी मानते हैं। इस चित्र में कलाकार ने भूलवश दोनों पैरों की अंगुलियां एक जैसी बना दी है। इस प्रकार से इसको दो बाएं अंगूठे वाली रमणी का चित्र नाम दे दिया गया है। इस प्रकार गुफा संख्या दो के चित्र पूर्ण होते हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे गुफा संख्या एक एवं इसके प्रमुख चित्रों के बारे में। धन्यवाद।